नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल और हिमालय से बहुत खास नाता रहा है। जिंदगी के कुछ साल उन्होंने हिमालय में बिताए थे, लेकिन नेपाल से मोदी का एक और बड़ा खास रिश्ता है। मोदी भले ही गृहस्थ जीवन से वितरागी रहे हो, लेकिन एक बच्चे की उन्होंने किस्मत बदल दी। ये बच्चा नेपाल का रहने वाला है, जिसे मोदी ने बना लिया धर्मपुत्र। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल का रहने वाला ये नौजवान, एक रिश्ता है इन दोनों के बीच, बेहद गहरा रिश्ता। ये रिश्ता रगों में नहीं बहता, लेकिन दिलों में इसी रिश्ते का राज है। कहां नेपाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ ये नौजवान और कहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों के बीच क्या रिश्ता हो सकता है, तो ठीक से देख लीजिए इस नौजवान का चेहरा, क्योंकि ये कोई आम युवक नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म पुत्र है। जी हाँ, मोदी का धर्म पुत्र नरेंद्र मोदी। भले ही निजी जिंदगी में गृहस्थ जीवन से वितरागी रहे हों, भले ही शादी के चंद दिनों बाद देश सेवा के लिए घर गृहस्थी से दूर हो गए हों, लेकिन एक धर्म पिता का फर्ज उन्होंने बखूबी निभाया है, जिसकी नजीर है ये नौजवान। नाम जीत बहादुर, काम राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में बीबीए का छात्र, मूल निवासी गांव लौकाहा, जिला नवलपरासी, नेपाल। हम नरेंद्र मोदी के इस धर्म पुत्र की पूरी दास्तान आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि कैसे इसकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी, कैसे ये नरेंद्र मोदी के करीब पहुंचा, कब और क्यों नरेंद्र मोदी ने इसे अपना धर्म पुत्र बना लिया। लेकिन उससे पहले जरा जीत बहादुर से ही सुनिए कि आखिर क्या है उसकी जिंदगी में नरेंद्र मोदी की अहमियत। पिता से कहीं बढ़कर, क्योंकि बस पिता से बढ़कर। अहमदाबाद की राय यूनिवर्सिटी के छात्रों को पता है कि गुजरात के लिए क्या अहमियत है इस सामान्य से दिखने वाले जीत बहादुर की। हर वक्त उसकी जुबान पर रहता है नरेंद्र मोदी का नाम। क्या आपकी, खास करके नरेंद्र मोदी के साथ और जीत क्या कहता है आपको? वो ऐसा बोलता है कि वो उनको दादा कह के बुलाता है और वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो बोलना चाहता है मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उनको वो उनका मोटिवेशनल है, उनसे सीख के कुछ आगे करना चाहता है। कि वो उनके मोटिवेशनल है, वो यही चाहते हैं कि आगे वो जिस तरह भी बढ़े उनका आशीर्वाद रहे साथ में, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। मेरे लिए दादा ही सब कुछ है मेरी लाइफ में, अगर ये नहीं होते तो आज तक मैं यहाँ तक नहीं बढ़ा होता और मैं उसे ही मतलब आगे उसे ही मतलब ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो मेरे लिए मोटिवेशन है, ऐसा ही बोलता है वो। जीत बहादुर की जिंदगी में जो कुछ भी है वो नरेंद्र मोदी ही है, उसके धर्म पिता, उसके भगवान, उसके सब कुछ। उसे यकीन है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने गुजरात की तस्वीर बदल दी, उसी तरह वो एक दिन देश की तस्वीर भी बदल कर रख देंगे। बस फीलिंग तो क्या है, कुछ नहीं, बस जैसे गुजरात को अच्छे से बनना है, अब इंडिया को भी अच्छे से बनाएंगे, बस इतने। जीत बहादुर के इस भरोसे की वजह है, उसने अपनी जिंदगी में वो भरोसा पूरा होते देखा है। जर्रे से आफताब तक का सफर उसने नरेंद्र मोदी की वजह से ही तय किया है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को कितना बदला और भारत को कितना बदलेंगे, ये तो देश का आने वाला इतिहास ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी ने जीत बहादुर की जिंदगी बदल कर रख दी है। वो नरेंद्र मोदी ही है जिसने जीत बहादुर की जिंदगी में रोशनी भर दी, वरना जिंदगी तो उसे उस अंधेरे राह पे लेके जा रही थी जहां से उसका बच के निकल पाना नामुमकिन था। जी हाँ, जीत बहादुर नेपाल के उस परिवार का बेटा है जहाँ 2 जून की रोटी के भी लाले हैं। पेट की आग ने ही उसे अपना घर बार छोड़ने को मजबूर किया था। घर वालों को पता भी नहीं था कि वो कहाँ गया, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से न सिर्फ जीत बहादुर एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, बल्कि उसके परिवार वालों को उनका खोया बेटा भी मिल गया। देखिए, यही है जीत बहादुर का नेपाल का वो परिवार जिसके पास पहुँचा है आज तक। जीत बहादुर के परिवार को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया बेटा फिर से वापस मिल पाएगा। इस परिवार ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जीत बहादुर की परवरिश उस व्यक्ति ने की है जो आज भारत का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जीत बहादुर की अच्छी परवरिश की, बल्कि उसे
उसके परिवार से मिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। इसलिए जीत बहादुर के परिवार ने ये माना है कि जीत बहादुर नरेंद्र मोदी का धर्म पुत्र है। कैमरामैन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ सुजीत कुमार झा, गांव लौकाहा, जिला नवलपरासी, नेपाल, आज तक। खेलने कूदने की उम्र में ही गरीबी ने जीत बहादुर को घर बार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वो 10 साल का था जब घर से निकला था, मेहनत मजदूरी करके जी रहा था, लेकिन वो दुनिया उसे रास नहीं आई। घर लौटने के लिए वो एक ट्रेन में बैठ गया, भूल से उसने गलत ट्रेन पकड़ ली, लेकिन वो ट्रेन उसे उसकी सही मंजिल तक लेकर आई। नेपाल का नवलपरासी इलाका है और आज तक की टीम उस गांव की तरफ चल निकली है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मपुत्र जीत बहादुर का जन्म हुआ था। मोदी के धर्मपुत्र की पूरी कहानी दुनिया के सामने लाने के लिए आज तक की टीम आखिरकार पहुंच गई नेपाल के नवलपरासी जिले के लौकाहा गांव। यूं तो नेपाल के ज्यादातर इलाके गरीबी की आंचल में ही पल रहे हैं, लेकिन नवलपरासी जिले के इस गांव में गरीबी का दामन कुछ ज्यादा ही फैला हुआ है और अब इस गांव को भी उम्मीद है कि जिंदगी बदलेगी। इस गांव तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंची, अलबत्ता इस गांव का बेटा जीत बहादुर गांव का हीरो जरूर बन गया है। नेपाली पत्र पत्रिकाओं के पहले पेज पर नरेंद्र मोदी के साथ छपी है उसकी तस्वीर। इस पत्रिका का नाम है नेपाल। पत्रिका के कवर पेज पर नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए जीत बहादुर की तस्वीर है और हेडलाइन है नरेंद्र मोदी का नेपाली धर्मपुत्र। जीत बहादुर से नरेंद्र मोदी का ये रिश्ता 12 साल पुराना है। जीत के घर वालों की माने तो 12 साल से जीत बहादुर के खाने, रहने, पढ़ने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ही निभा रहे हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार का बेटा अब अहमदाबाद के राय यूनिवर्सिटी में BBA का कोर्स कर रहा है। जीत बहादुर की माँ खगिसरा साहू भी मानती हैं कि भले ही जीत को जन्म उन्होंने दिया है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने जीत बहादुर की जिंदगी बदल दी। मेरा छोरा लाई वहाँ मोदी जी ले पालन पोषण गर्न भयो, धर्मपुत्र पनि बनाउनु भयो गर्दाखेरि मेरा छोराले चाहिँ नि उहाँहरूको इज्जत जीवनभर उहाँहरूको इज्जत नफालोस्, उसको जीवन उहाँ मोदीजीको जीवन गए पनि मेरो छोरा त उहाँको छोरा भयो, उसको मेरो छोराको जीवनभरिसम्म पनि उहाँको इज्जत फाल्न नसकोस् मेरो छोराले। जीत बहादुर की कहानी किसी फिल्म की पटकथा जैसी है। गरीबी के आंगन में उसने आंखें खोली थी। 1998 में सिर्फ 10 साल की उम्र में जीत बहादुर काम की तलाश में घर से निकल गया। साथ में उसका बड़ा भाई दशरथ भी था। कुछ दिन उसने दिल्ली में काम किया और फिर राजस्थान चला गया। राजस्थान में उसका मन नहीं लगा और वहां से भागकर अपने घर पहुंचना चाहता था। जीत बहादुर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो राजस्थान से सीधे अपने गांव गोरखपुर जाना चाहता था। उसने गोरखपुर के लिए ट्रेन भी पकड़ी थी, लेकिन वो ट्रेन गोरखपुर की बजाय अहमदाबाद की थी और वो अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद जीत बहादुर के लिए एक नई दुनिया थी। किस्मत अच्छी थी कि एक भद्र महिला से उसकी मुलाकात हो गई। उस महिला ने ही उसे नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये बात 2002 की है। तब जीत बहादुर की उम्र 14 साल हो गई थी। नरेंद्र मोदी ने उसके भविष्य को देखते हुए उसके रहने, खाने, पढ़ने लिखने का इंतजाम करवा दिया। मेरो छोरा सानैमा गएको थियो र के भएर कसो भयो मेरो मन खोजी ल्याइरहेको थियो। आज चाहिँ नि उहाँहरूको पासमा पुगेछ, उहाँहरूले धेरै सेवा गर्नुभएछ, उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद होस्। इधर जीत बहादुर की किस्मत बदल गई। वो उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म पुत्र बन गया, जबकि अहमदाबाद से कहीं दूर नेपाल के उसके गाँव में लोगों ने आस खो दी थी कि वो कभी जीत बहादुर से मिल पाएंगे। जीत बहादुर के राजस्थान से अहमदाबाद पहुंचने
और नरेंद्र मोदी के दत्तक पुत्र बनने की दास्तान जितनी दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प है उसके वापस गांव पहुंचने की कहानी। क्योंकि जीत बहादुर को तो ये भी याद नहीं था कि उसका गांव और घर कहां है। उसका तो सब कुछ सिर्फ नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द सिमट चुका था। जीत बहादुर का परिवार बेहद गरीब है, ना तो इनके पास रोजगार का कोई स्थायी साधन है और ना ही अपनी जमीन, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। तभी तो जीत बहादुर की मां कहती है कि नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे के लिए बहुत कुछ किया, अब जीत बहादुर की बारी है कि वो कोई ऐसा काम न करे जिससे नरेंद्र मोदी के इज्जत को बट्टा लगे। कैमरामैन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ सुजीत कुमार झा, गांव लौकाहा, जिला नवलपरासी, नेपाल, आज तक। किस्मत बिल्कुल सही जगह लेकर आई थी जीत बहादुर को। नरेंद्र मोदी ने उसका खूब ख्याल रखा, अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, छुट्टियों में घूमने फिरने का इंतजाम करवाया। मोदी के जहन में ये बात भी चल रही थी कि आखिर कैसे वो जीत को उसके बिछड़े घर वालों से मिलवाए। आखिरकार एक दिन एक आइडिया उन्हें मिल ही गया। ये रिश्ता है दिलों का, दिल से किसी को अपना मानने का, जिम्मेदारी निभाने का। जीत बहादुर के सिर पर नरेंद्र मोदी ने हाथ रखा तो उसकी किस्मत बदल गई। मेहनत मजदूरी की दुनिया से छूटकर उसने स्कूल कॉलेज की दुनिया देखी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी उस जड़ों की याद आ रही थी जहां उसने जन्म लिया था। नरेंद्र मोदी भी इस बात से अनजान नहीं थे। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने तरकीब से ढूंढ ही निकाला जीत बहादुर के परिवार को। वो साल था 2011। उस वक्त नेपाल के उद्योगपति विनोद चौधरी फिक्की के निमंत्रण पर एक कार्यक्रम में अहमदाबाद गए थे। उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। विनोद चौधरी ने मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी को नेपाल आने का न्योता दे दिया। तब नरेंद्र मोदी ने उनसे नेपाल आने की शर्त रखी थी, कहा कि अगर वो उनके घर रह रहे जीत बहादुर नाम के नेपाली लड़के के परिवार का पता लगा दें तो वो नेपाल जरूर आएंगे। नरेंद्र मोदी नेपाल में मेरे पास एक नेपाली लड़का है, वो लड़का को परिवार को भेंट करना आप सकते हैं तो मैं नेपाल चीफ गेस्ट में आ सकता हूँ, इसके लिए उसका परिवार पुनर्मिलन करने के लिए वो बोला था। विनोद चौधरी ने अहमदाबाद से लौटने के बाद 30 घंटे के भीतर ही न सिर्फ जीत बहादुर के परिवार का पता लगा लिया बल्कि परिवार वालों की बातचीत भी जीत बहादुर से करवाई। इस बात की पूरी तस्दीक गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय से आए इस मेल से होती है। अनि जब नेपाल मेरा बोस विनोद चौधरी आया, उसको मेरा मेल किया कि ऐसे ऐसे लड़का नेपाल में है, उसको पता लगा बोला कि मेरे फिर उसको जुन मेल पाया था मेरा बोस को, उसके 24 से 30 घंटा तक में उसका संपूर्ण परिवार का विवरण मैं पता लगाकर फिर मेरे बोस को उसका फोटो, उसका सब परिवार का विवरण मैं स्कैन करके मेल से मेरा हेड ऑफिस थाने पर मेरे बोस के पास पठा दिया, उन्हें फिर नरेंद्र मोदी को पठा दिया था, इसीलिए उसको भेंट हुआ। आखिरकार 12 बरस बाद 2011 में जीत बहादुर अपने घर पहुंचा। उसके साथ वो तस्वीर भी थी जिसमें नरेंद्र मोदी उससे हाथ मिला रहे थे। जीत बहादुर ने घर वालों को बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी उसका ख्याल रखते थे, उसकी पूरी पढ़ाई का ख्याल रखते थे, छुट्टियों में उसे बाहर घूमने के लिए भेजते थे, पिता का हर फर्ज पूरा कर रहे थे नरेंद्र मोदी। एक बाप अपने बेटे के जिस तरह से ख्याल करता है लगभग उसी तरह से, पूरी उसी तरह से उनका ख्याल हो रहा है। उसके हिसाब से वो जिस तरह से कहता है हमने तो वही मानना है, उसकी बात सुनने से ऐसा लगता है, इससे विश्वास कर सकते हैं। जीत बहादुर की कहानी नेपाल में आम हो गई है। जीत बहादुर की वजह से ही ये गांव भी चर्चा में आ गया है। आखिरकार ये नरेंद्र मोदी के धर्म पुत्र का पुश्तैनी गाँव जो है, अगर ये चर्चा में नहीं आएगा तो भला और किस गाँव की चर्चा होगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ सुजीत कुमार झा, नवलपरासी, नेपाल, आज तक। नरेंद्र मोदी सावन के आखिरी सोमवार को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और उनका अभिषेक करने जा रहे हैं। जीत बहादुर के गांव वालों को उम्मीद है कि जीत भी उनके साथ आएगा। यही नहीं, जीत के गांव वाले तो नरेंद्र मोदी से मिलकर उनके प्रति आभार जताने के लिए भी बेताब है।
हमको खुशी लग रहा है क्योंकि हम इधर ना गरीब बसिंदा है तो वो इतना अमीर घर में गया है, तो ऐसा लगता है कि वो कुछ अपना जिंदगी में कुछ बड़ा काम करे, कि अपना भाई को भी नाम रखे, हमारा देश में भी जो ये गरीब एरिया में भी कुछ भला करे उस हमारे लिए। हम लोग तो सोचते हैं कि वो लोग इधर थोड़ा सा करेंगे तो और अच्छा। वो महेंद्र मोदी का लड़का बना जा रहे ना, और अच्छा है वो लोग के लिए, तो हम लोग को भी अच्छा है, अच्छा लग रहा है। नरेंद्र मोदी सावन के अंतिम सोमवार यानी 4 अगस्त को नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। वहां वो पशुपतिनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करेंगे। यहां पर मोदी जी आएंगे तो यहां पर विशेष पूजा कराएंगे भगवान शंकर जी का। अंदर जो पंचामृत अभिषेक होता है सोमवार के दिन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर जी का दही दूध घी चीनी शहद मधु से पंचामृत का स्नान और ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक का वैदिक मंत्र द्वारा पाठ होगा विशेष प्रकार से। जो विशेष पूजा है वो मोदी जी यहाँ पर करेंगे। पूरा गांव इस बात से खुश है कि नरेंद्र मोदी जैसी दिग्गज हस्ती ने उनके गांव के एक बच्चे का इतना ख्याल रखा, एक पिता का प्यार दिया, पिता जैसी जिम्मेदारी निभाई। गांव के सारे लोग नरेंद्र मोदी की दरिया दिली की बड़ाई कर रहे हैं। वो हर किसी आदमी से उसको कोई तकलीफ है या नहीं है, कॉलेज में स्कूल में उसको कोई परेशानी है या नहीं है, बुझने की जब बाहर है अथवा कहीं है तो बुझने के लिए भेजते है। कोई छुट्टी वुट्टी इधर कॉलेज का हो गई तो किसी आदमी को उसको कहीं भेजने का छुट्टी मनाने के लिए वो उनका असिस्टेंट वगैरह कोई एम्प्लॉय वगैरह मेरा सब कुछ कर देता है, टिकट विकेट होटल सब कुछ वही कर देता है, तो मैं घूमने जाता हूँ बस। पैसे वैसे भी उधर से कैसे तिरा जाता है मेरे को कुछ पता नहीं है, ये बोलता था। नरेंद्र मोदी ने एक गरीब बच्चे की मुकम्मल परवरिश कर समाज के सामने एक मिसाल पेश की है, एक अच्छा संदेश दिया है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ सुजीत कुमार झा, नवलपरासी, नेपाल, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।